समोसे समोसे तुम बड़े मजेदार। समोसे का वजन कम मिला तो बेचने वाले पर कार्रवाई हो गई और सही वजन के बाद ही दुकानदार को दुकान खोलने का मौका दिया गया। बात बहुत अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन ये खबर सच है। सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 के एक स्टॉल पर समोसा 50 के स्थान पर 42 और 45 ग्राम वजन का मिला और इस पर स्टॉल को सीज कर दिया गया। स्टॉल संचालक ने क्या बताया कि समोसा पकने के बाद वजन कम हो गया। सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 की बात है, 50 के स्थान पर 42 और 45 ग्राम वजन का एक समोसा मिला, इस पर स्टॉल को सीज कर दिया गया। मंडल को रिपोर्ट गई तो स्टॉल संचालक ने तर्क रखा कि समोसा पकने के बाद वजन कम हो गया है। रेलवे ने इसे स्वीकार करते हुए नसीहत दी है कि पके समोसा का वजन 45 ग्राम से अधिक रहे और स्टॉल खोलने की इजाजत दे दी। 10 साल में पहली बार समोसा का वजन कराने के बाद कार्रवाई की गई है। सेंट्रल पर एनसीआर डीएम प्रमोद कुमार को 20 रुपए में रेलवीर की बोतल एक स्टॉल संचालक ने दी थी। तब से जोन से लेकर मंडल स्तर तक के अफसर चौकन्ने हो गए हैं। डिप्टी सीडीएम आशुतोष सिंह और एसीएम संतोष त्रिपाठी के निर्देशन में मंडल की 4 सदस्यीय टीम सभी प्लेटफार्मों पर ओवरचार्जिंग, घटतौली और अवैध वेंडर्स की हर गतिविधि पर नजर रखती है। प्रयागराज मंडल से आई टीम ऑन स्पॉट स्टॉल संचालकों को क्षति पहुंचा उनको सबक सिखा रही है और हाल ही में तय किया गया है कि यात्रियों के फीडबैक अनुसार स्टेशन पर चाट पकवान मिलेंगे। यात्रियों ने कहा है कि उन्नाव स्टेशन पर पहुंचे तो वहीं का समोसा उन्हें प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। वहीं कानपुर का लड्डू इतना मशहूर हो गया कि यात्रियों को इसका स्वाद सेंट्रल स्टेशन पर चाहिए। इसी तरह फफूंद स्टेशन पर बालूशाही, फतेहपुर में मलवा का पेड़ा, इटावा व मैनपुरी में घेवर की मांग की गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने हर रूट पर किए गए सर्वे के बाद यात्रियों की मांग पर मोहर लगा दी है और अलग अलग रेलवे रूट के 200 यात्रियों के लिए गए फीडबैक के बाद एक स्टेशन एक उत्पाद को एनसीआर से लागू कर दिया गया है। तो है ना चटपटी खबर। अच्छा, आपकी समोसे पर हुई कार्रवाई को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।